प्रतीक सहजपाल के बारे में देवोलीना से अभिजीत ने कही इतनी बड़ी बात, आखिर में ऐसा क्या कुछ कहा है प्रतीक सहजपाल के बारे में, और जिसमें अभिजीत की पजेसिवनेस जो है वो नजर आ रही है देवोलीना के लिए। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बिग बॉस के घर में देवोलीना और अभिजीत बिचुकले का जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा अलग है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब से वो म्यूजियम टास्क हुआ है उसके बाद से जो है देवोलीना अभिजीत को नहीं पसंद करती, लेकिन अभिजीत के मन में, उनके आंखों में वो प्यार नजर आता है देवोलीना के लिए, और वो पजेसिवनेस भी नजर आती है। दरअसल यहाँ पर जो है प्रतीक सहजपाल और देवोलीना का बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों केयर शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों को ये भी लगता है कि शायद देवोलीना जो है वो प्रतीक सहजपाल को पसंद करती हैं। अब यहाँ पर अभिजीत बिचुकले जो क्लियरली बोलते हैं देवोलीना को कि तेरे लिए प्रतीक सही नहीं है, तू उससे शादी करना चाहती है, तू उसे पसंद करती है, लेकिन तू उससे शादी मत करना क्योंकि वो तेरे लिए पसंद नहीं है। पर यहाँ पर देवोलीना ये कहती है कि दादा आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर अभिजीत कहते हैं कि देख मैं शादीशुदा हूं तो मुझे पता है कि क्या चीजें मतलब कि आंखों में नजर आ जाता है कि किसके लिए प्यार है। तो देवोलीना को यही सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं अभिजीत, और कहते हैं कि तू प्रतीक से दूर रह, वो तेरे लिए सही नहीं है। वही अभिजीत एक और बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, और वो ये होता है कि अभिजीत बिचुकले कहते हैं कि देख मैं शादीशुदा हूं वरना मैं तुझसे जरूर शादी करता। वेल, यहां पर कहीं ना कहीं अभिजीत बिचुकले जो है वो देवोलीना के पीछे पड़ गए हैं, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉजिटिव है वो देवोलीना को लेकर, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग्स भी हैं देवोलीना को लेकर। वेल, आपकी क्या रिएक्शन रहा है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।